तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू भिंडी एंड प्याज की मसालेदार सब्ज़ी। अगर यदि आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की हो तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं एंड सिंपल पराठों के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कुक विद टीना में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मसाला भिंडी। इसके लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम यानी आधा किलो भिंडी ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक आलू लिया है एंड 4 मैंने हरी मिर्च ली है। यहाँ पे हमने भिंडी को अच्छे से धो के साफ करके काट लिया है। आलू को भी ऐसे स्क्वायर में काट लिया है। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं यहाँ पे, इन्हें मैंने लंबे लंबे स्लाइस कर लिए हैं। मैंने 3 हरी मिर्च लिए हैं, ये थोड़े से गार्लिक पीस लिए हैं मैंने। अब हम यहाँ पे एक पैन में, मैंने पारंपरिक तौर पर मैं बना रही हूँ, तो मैं इसे एक एल्युमिनियम की हांडी में बना रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े स्पून ऑयल लिया है एंड थोड़ा सा हाफ स्पून और ऑयल डाला है। इसमें मैंने तेल के गरम अच्छे तरह से गरम हो जाने के बाद इसमें हम 1 चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे फ्रेंड्स। जीरा अच्छा ब्राउन होने के बाद एंड चटकने के बाद इसमें हम ये जो मैंने कटिंग कर रखे हैं प्याज, लहसुन और ये हरी मिर्च, इसको हम इसमें एक एक करके ऐड करेंगे। सारी चीज़ एक एक करके हम इसमें ऐड कर देंगे। सारी सामग्री को अच्छे गुलाबी होने तक हमें भूनना है, जैसा आप देख सकते हैं अच्छे से फ्राई होना चाहिए। इसमें हमने ये 2 चुटकी हींग ली है, ये भी हम इसमें मिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। इससे हींग से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। इन्हें एकदम से ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इन्हें भूनेंगे। आंच को मैंने लो फ्लेम पर रख रखा है। उसके बाद हम इसमें ये भिंडी और जो आलू कटिंग करके रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, और अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। आलू और भिंडी को हमें एक साथ मिक्स करके डालना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और ये थोड़े क्रंची क्रंची रहे आलू। इसके लिए पहले आलू को अगर हम फ्राई करेंगे तो उसमें ये थोड़ा इसका क्रंचीनेस ख़त्म हो जाएगा, इसलिए हम इसे दोनों को एक साथ डाल के मिक्स कर लेंगे। फिर अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर हमें इसे ढक के पका लेना है। फिर हम बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे पलटे से, ताकि पता चले कि ये अच्छे से सिक रहे हैं नहीं, ताकि ये सब तरफ से अच्छे से सिक जाए एंड फ्राई हो जाए फ्रेंड्स। इसके लिए हमें चारों तरफ से इसे अच्छे से मिक्स करना है और थोड़ी थोड़ी देर में हमें इन्हें देखते रहना है, ढक्कन हटा हटा के इन्हें मिक्स करते रहना है ताकि हमें पता चले। फिर इसमें हम 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और ये 1 चम्मच लाल मिर्ची एंड इसमें 1/2 चम्मच और मिक्स कर लेंगे लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आपके टेस्ट के अनुसार, आपको जैसा तीखा पसंद है वैसे आप डाल सकते हैं। और फिर हम इसमें ये 1 चम्मच सॉल्ट डालेंगे। नमक आपके स्वाद अनुसार, जैसा आपको कम ज़्यादा चाहिए वैसा आप इसमें ले सकते हैं फ्रेंड्स। फिर इसमें हमें 1/2 चम्मच से थोड़ा कम इसमें गरम मसाला ऐड करना है, जैसे भी आपके भिंडी का स्वाद 2 गुना और 4 गुना बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। और फिर हमें इन सब चीज़ों को डाल के, सारे मसालों को डाल के और उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम सब्जी को ढककर लगभग 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। हमें सब्जी को पकाते हुए 4 मिनट हो गए हैं लगभग। अब इन्हें इसे चेक कर लेते हैं। आलू को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन भिंडी तो जल्दी ही पक जाती है।
हमें सब्जी को लगभग 6 से 7 मिनट के लिए अच्छे से इसे पका लेना है। मसालों की क्वांटिटी आप अपने पसंद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। सब्जी हमारी बनकर तैयार है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। आपको भिंडी को अच्छे से धोकर सुखा लेना है ताकि भिंडी में पानी ना रहे। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी भिंडी की सब्जी बनकर तैयार है। दिखने में कितनी डिलीशियस लग रही है, एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करिए। एंड अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट।